दोस्तों आपके मोबाइल में डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो आप ऐसे में एक सेटिंग आप अपने मोबाइल में कर लीजिएगा जिससे आपका डाटा बहुत कम खर्च होगा। और आप ये पता कर सकते हैं कि मैं इस ऐप में अभी कितना MB खर्च कर रहा हूँ। और जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं तो आप फेसबुक में लाइव देख सकते हैं कि मैं फेसबुक में कितना MB खर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब में कितना MB खर्च कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम में कितना MB खर्च कर रहा हूँ। दोस्तों इस प्रकार आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि मैं कितना MB खर्च कर रहा हूँ। और दोस्तों आप अपने डाटा को लिमिट कर सकते हैं कि मैं इतना ही MB खर्च करूंगा, उसके बाद अपने आप डाटा ऑफ हो जाए। और दोस्तों आप यह भी कर सकते हैं, जैसे हॉटस्पॉट आप किसी को दे रहे हैं तो वो आपका डाटा जितना चाहे उतना वो खर्च कर लेता है। तो दोस्तों आप ऐसे में आप उसको एक लिमिट दे सकते हैं कि इतना ही तक वो MB खर्च कर सके। तो दोस्तों इस प्रकार अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ अशफाक और आप देख रहे हैं टेक्निकल हेल्पर। दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते। तो चलिए दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है डाटा लीप। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, तो दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो को मिल जाएगा, वहां से आप जाकर इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो दोस्तों यहां से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो दोस्तों आपको डाटा कम खर्च करना है तो यहां सेट अप डाटा सेवर पे आपको क्लिक करके यहां से डाटा को सेवर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस पे क्लिक करके यहां से ओपन सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों ये खुद ब खुद आपको डाटा सेवर अलाउ हो जाए, ऑन हो जाए। तो दोस्तों ये ऑन हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि और भी कुछ करें। देखिए दोस्तों आपका डाटा तो फास्ट काम करेगा, नेट फास्ट काम करेगा, पर डाटा आपका बहुत कम कंज्यूम होगा। जो मतलब जितना वेफ जूल का आपका जो डाटा खर्च हो रहा था उतना आपका खर्च नहीं होगा। तो दोस्तों आपको इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, यहाँ डाटा जो लिमिट आपको डेली डाटा लिमिट जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ डाटा जितना आपको खर्च करना है उतना आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से सेट ए डेली लिमिट पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको सेट कर देना है। जैसे देखिए दोस्तों मैं यहाँ आपको जैसे मैं 1200 MB आपको खर्च करना चाहता हूँ, तो दोस्तों यहाँ आपको यहाँ हमें क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों जैसे मैं इतना खर्च कर लूँगा उसके बाद दोस्तों ये डाटा खुद बंद हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं तो उतना आप चाहेंगे कि जैसे मैं 200 MB 300 MB खर्च करना चाहता हूँ और उतना ही वो खर्च कर पाए, तो उतना आप सेट करके दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वो डाटा खुद ब खुद टर्न ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप किसी को हॉटस्पॉट दे रहे हैं तो वहाँ से आप किसी को हॉटस्पॉट दे रहे हैं तो वो कितना भी चाहेगा उतना MB खर्च कर लेता है। तो आप चाहते हैं कि उतना MB नहीं खर्च कर पाए, कुछ लिमिट तक ही वो खर्च कर पाए, तो देखिए दोस्तों यहाँ ट्रैकर हॉटस्पॉट है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप उसको जितना MB आप खर्च करने के लिए दे रहे हैं उतना MB यहाँ से आपको दे देना। तो देखिए दोस्तों मैं 200 देकर यहाँ से ट्रैकर हॉटस्पॉट पे क्लिक करके यहाँ ही कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ से वो 200 MB जैसे खर्च करेगा उसका डाटा काम करना बंद कर देगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ बबल डाटा ट्रैकर जो है इस पर आपको क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के देखिए दोस्तों ये ऑन है मेरे मोबाइल में, और आप अगर आपके मोबाइल में नहीं ऑन है तो इसे ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने से ये होगा कि आप जिस भी मोबाइल में आप डाटा जितना मतलब जिस भी ऐप में आप जितना डाटा खर्च कीजिएगा ना उतना आपको ये बताएगा। तो चलिए दोस्तों मैं किसी एप्लीकेशन में जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे ये बताएगा कि कितना मैं इस एप्लीकेशन में डाटा खर्च कर रहा हूँ। तो जैसे मैं फेसबुक में आऊँगा तो दोस्तों ये बताएगा कि मैं फेसबुक में कितना खर्च कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये बबल आ चुका है और फेसबुक में फिलहाल मैं 0.1 MB या 0.2 MB हो चुका है। तो दोस्तों जितना मैं खर्च करूँगा इसमें जितना चलाऊँगा उतना ही ये बताएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि मैं किस ऐप में कितना MB खर्च कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं यूट्यूब में जाता हूँ, यूट्यूब का अलग बताएगा। तो चलिए दोस्तों मैं जैसे यूट्यूब में जाता हूँ तो यूट्यूब का ये भी बताएगा कि यूट्यूब में मैं अभी फिलहाल कितना खर्च किया हूँ इतना देर में। दोस्तों आप जितना देर में जितना खर्च कीजिएगा वो सब आपको बताएगा। तो देखिए दोस्तों ये आ चुका है YouTube में, ये आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार आप YouTube में भी देख सकते हैं कि वो कितना खर्च हुआ। तो दोस्तों आप सभी ऐप में आप जाकर देख सकते हैं कि मैं किस ऐप में कितना खर्च कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये लगाने से आपको फायदा ये होगा
कि आप लिमिट में ही डाटा आप खर्च कर पाएंगे और आपको बार बार ध्यान रहेगा कि नहीं मैं ज़्यादा एमबी खर्च कर लिया, मुझे ये काम है वो काम है, आप जो भी काम करना चाहते हो उस एमबी से आप बहुत काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने डाटा को हद से हद तक बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।